ईएमआई में फुल कार, ईएमआई में फुल कार मिल रही है, मतलब भाई यहाँ पे बेहतर के हिसाब से। अगर आपने यही गाड़ी सेम लंबोर्गिनी की चेसी कहीं से अरेंज हुई उसके ऊपर आपने बना दी, चेसी हो गई फिर लंबोर्गिनी की, ठीक है, आपने फाइबर का पूरा काम कर दिया, बॉडी भी आपके, ये वापस रिवर्स, ये वापस पाके, इग्निशन का बटन है, बहुत सही, ठीक है, ये वही स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट भी करके दिखाई दी। मुझे लगा कि यार आप बताने नहीं वाले ऑडियंस को कि भाई नहीं नहीं यार ये कुछ कमी रह गई, और बिल्कुल आपको बताता हूँ ये कमी नहीं रही है। टेल लाइट्स कस्टम मेड है इसके अंदर, ये पार्किंग पे जल रही है इसकी। बाहर की गाड़ी है भैया ने इधर बना दी, बना दिए इधर 3.5 लाख रुपए कुछ की अराउंड आती है। ये अंडर 50 बना दी है मैंने, पूरा हेडलाइट टेल लाइट वगैरह सब कुछ फर्स्ट टाइम किया है। कमेंट करना बहुत इजी होता है बट एक्चुअल में एक इसका एक छोटा सा पार्ट भी कोई बनाने बैठेगा ना तो उसको नानी याद आ जाएगी, जो बचपन में बोलते हैं नानी याद आ जाएगी वो एक्चुअल में याद आ जाएगी भाई। तो यार बहुत हल्के तुम्हारा मीर गल के नेक्स्ट एपिसोड है भाई, तुम देख लो मंदिर में वैसे कीर्तन हो रहा है भाई। हाँ शुभ वक्त पे चालू की हमने वीडियो, एग्जैक्टली बहुत शुभ वक्त पे, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। पर भाई ये गाड़ी तुम देख सकते हो मेरे सामने, होंडा कौन सी भाई आप ही बताओ इसके बारे में, और थोड़ा ये वाले एंगल में आओ आप, आपकी गाड़ी है, क्या प्यारे लग रहे हो भाई। भाई को पहले दो तारीफ तो बनती है, तुम देख सकते हो कुर्ते पजामे के साथ वाइट कलर में ट्विनिंग हो रही है दोस्तों, है ना, कमेंट्स में आ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया भाई। इस गाड़ी के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ये वीडियो हम जो शाम इतनी रात में चालू कर रहे हैं इसके पीछे बहुत मेहनत है, उस मेहनत के पीछे हम बात करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, मेरी जनता को यार मैनेज करना है और सपोर्ट करना है इस वीडियो को, समझ लो वो तो चलो अच्छी चीज़ें रुक जाएगी, जो कीर्तन हो रहा है शाम वाले को थोड़ा सा हमें उसको मैनेज करते हैं, पूरी वीडियो देखेंगे। मैं ये मानूंगा कि एक अच्छी चीज़ हो रही है ये, क्या बात है, क्योंकि हमने बहुत मैंने कंट्रोवर्सीज भी देखी है, तो भगवान का नाम है यार, अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं, क्यों नहीं यार भाई। वो स्ट्रगल्स के पीछे मुझे बात करनी है यार प्रतीक भाई, कैसे कैसे क्या स्ट्रगल रहे, एंड इस गाड़ी में क्या अलग है ऐसा, क्योंकि हमने पहले भी एवेंटेड और SPJ दिखा रखी है। हाँ मतलब एक तो आपको हेडलाइट टेल लाइट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, रूफ के डिज़ाइन में, स्पॉइलर के डिज़ाइन में, ठीक है, प्लस इसके डायमेंशंस में, आगे के फ्रंट बम्पर में भी, मतलब अगर जो आपने गाड़ियाँ देखी है उसमें ये वाली स्किड प्लेट है नहीं, मतलब अगर मैं मेंशन भी करना चाहूँ तो लास्ट जितनी भी SPJ आपने दिखाई है दोनों में बता रहा हूँ ये स्किड प्लेट नहीं है, और अगर ओरिजिनल की फोटो देखोगे तो उसमें ये स्किड प्लेट दिख जाएगी आपको, ब्लैक कलर कर रखी है पहले। नहीं बहुत बढ़िया, उससे काफ़ी एक एग्रेसिव टच भी आ रहा है, लोअर्ड भी हो गई है। हाँ लोअर्ड भी हो, लोअर्ड भी हो गई है। मेन कहानी भाई बता रहे थे हेडलाइट की, ठीक है, और टेल लाइट की। हाँ। पहले भाई हेडलाइट की कहानी बताते हैं, उससे पहले मुझे बताओ यार ये ऐसे छूटा हुआ है, इस पे यार रेडियम वर्क रह गया है। हाँ हाँ, तो वो कंप्लीट होगा, वो फिनिशिंग का पार्ट है, तो फिनिशिंग वाला काम इसमें हल्का फुल्का रहता है, एक दो दिन बाद डिलीवरी, और वही तो स्ट्रगल है जो हम बताने वाले तुम लोगों को, ठीक है। पर तुम देखो भाई ने किस तरीके से DRLs बना दिया, अगर हम इस पर ध्यान ना दे दोस्तों, है ना, अभी ठीक है ये फिनिशिंग हो जाएगी। DRL देखो कितना सही भाई भाई ने बना रखा है, एंड जो प्राइस बनाया है तुम जानते हो, हाँ वो भी दिखाओ भाई, अच्छे से दिखाओ, डॉट्स डॉट लाइट तुम देख सकते हो यहाँ पे, है ना, बेहतरीन है। अब देखो यहाँ से फुल लुक देख सकते हैं हम, ठीक है, और फिर डॉट वाली, ओके इंडिकेटर ये राइट का हो गया, DRL हो गई, बहुत सही। तो भाई ये ज़रा बता दो आपने, एक तो कितने में बनाया और ओरिजिनल कितने में आती है? ओरिजिनल हेडलाइट्स की कॉस्ट की बात करूँ तो 5.5 लाख रुपए की हेडलाइट्स हैं खाली, टेल लाइट्स तो मैं जोड़ ही नहीं रहा अभी, और अपन ने पूरी गाड़ी वही आपने बता ही दिया 15-16 लाख रुपए में पूरी गाड़ी बनाती, बिल्कुल गाड़ी ऑफ कोर्स कस्टमर की थी। हाँ बहुत सही, तो मुझे पहले ये बताओ यार मतलब इसमें भी जो इसकी प्राइसिंग आपने बताई, ऑफ कोर्स गाड़ी का जो ओवरऑल बजट है उसका आधा प्राइस ही हेडलाइट ही ले रही है अगर हम ओरिजिनल लाइट पर जाना चाहें तो। हाँ और ओरिजिनल की अगर मैं बात ही करूँ तो ओरिजिनल का बेसिकली आप ओरिजिनल कार्ड ले हो तो उसका इंश्योरेंस कॉस्ट है 25 लाख रुपीज़ पर ईयर। हाँ ये बहुत बढ़िया बात करने वाले भाई। हाँ और मतलब RTO कॉस्ट है 64 लाख रुपीज़, तो मतलब अगर ये मतलब, और EMI बताओ भाई, EMI भी 13 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग, देख लो तो EMI में फुल कार, EMI में फुल कार मिल रही है, मतलब भाई यहाँ पे बेहतरीन के हिसाब से बहुत बड़े थी भाई। बहुत बार लोग ना डाउट आते थे ऐसे कि यार हमने ऐसे रेप्लिका लंबोर्गिनी हमने दिखा दी, ठीक है काफ़ी अच्छी तैयार करी है भाई ने, लैम्बोडोर के साथ है, कन्वर्टेबल है इस गाड़ी में यार, वो भी दिखाएंगे हम, बहुत बढ़िया। लेकिन ये RTO में लीगल वाला सीन जो है ना वो हर कोई पूछता है, जो हमने बहुत बार मिस आउट किया है, ज़रा वो ही बता दो यार। देखो लीगल तो नहीं है। हाँ बाकी अगर मैं और इसके ऊपर बोलना चाहूँ, मतलब चलाने वाले चलाते हैं, सीधी बात।
ऐसा कुछ है कि लैम्बोर्गिनी के पेपर इसके सोर्स कर दो आप, ऐसा कुछ जुगाड़ चल रहा है क्या? ऐसा कोई जुगाड़ तो नहीं चल रहा, डॉक्यूमेंट्स वही सिविक के ही रहते हैं बेसिकली। अपन कोई चोर चक्कर वाले काम तो कर नहीं रहे, जो बेसिकली कस्टमर सिविक ला के देता है। रजिस्ट्रेशन किससे होता है? चेसिस नंबर, इंजन नंबर से। वो अपना पूरा ओरिजिनल ही रहता है। मैं अभी आपको इसका खोल के भी दिखा सकता हूँ, मतलब चेसिस अपना वही रहता है सिविक का, इंजन भी वही रहता है। तो अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप समझा सकते हो कि भाई ये बॉडी मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, इंजन चेसिस वही है। तो जो कि वो मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि बॉडी मॉडिफिकेशन उन लोगों ने वो कर रखा है कि उस पर ही बहुत चलाना है। बाहर कहीं दिक्कत नहीं है, मतलब पुलिस वाले भी समझते हैं कि हाँ ये शौकिया चीज चल रही है, वो फेस भी करते हैं ऐसी बात। वो रुकवा के फोटोज भी खिंचवाते हैं, बिल्कुल। बकायदा जयपुर में भी देखा है हमने, इंदौर में भी देखा है, दिखाया भी ऑडियंस को। ये तो है भाई, लेकिन मैंने आपसे आज ऑफ कैमरा एक डाउट पूछा था, ये तो चलो आंसर मिल गया हमें, वो डाउट मुझे दोबारा पूछना है आपसे, बड़ा मतलब अलग सा है। जैसे कि आपने ये सिविक के चेसी में गाड़ी बनाई है, हाँ ठीक है, अगर आपने यही गाड़ी सेम लैम्बोर्गिनी की चेसी कहीं से अरेंज हुई है ना, उसके ऊपर आपने बना दी, चेसी हो गई फिर लैम्बोर्गिनी की, ठीक है, आपने फाइबर का पूरा काम कर दिया, आपने मुझे वेडोर भी दिखाई थी है ना, आज हमारी वेडोर की बात हो रही थी, भाई ने मुझे दिखाई थी कि पहली ऐसी किट कार है, ठीक है, जो कि कौन सी, इन्फिनिटी की E35 G35 में किट लग जाती है, वो अलग ही वन ऑफ वन है, वो उनका अपना पीस है, किट है उनकी $16,000 की। उस वाली जो आप पे क्वेश्चन पे आते हैं भाई, वो लैम्बोर्गिनी की अगर चेसी सोर्स हो गई, ठीक है, फिर अगर फाइबर वर्क आपने कर दी गाड़ी को, यार बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल कोई गिलार्डो या फिर मर्सी लागो पुराने वाले ईएस की भी है, तो उसके ऊपर भी मैं एसवीजे बना दूंगा, तो वो एक तरीके से वो तो लीगल है ना यार। फिर लैम्बोर्गिनी क्या, मैंने क्या मॉडिफिकेशन, मतलब हमने एक लूप होल ढूंढ लिया है ना। हाँ, लूप होल तो है ही, लूप होल है ही वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब आज हमने दोस्तों ऑफ कैमरे बात करी, मतलब गाड़ी के ऊपर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, हमने काफी बार ये गाड़ी ऐसी दिखाई है, पर मैंने सोचा कि अगर हमें इंटरेस्टिंग फैक्टर डालना है तो क्यों ना वो वाली बात हम यहाँ पे जिक्र करें। एंड जिसको भी भाई लैम्बोर्गिनी चाहिए विद आरटीओ की झंझट ना हो तो थोड़ा यार बात करें। मैं अगर बेसिकली जो लैम्बोर्गिनी चाहिए आरटीओ का झंझट ना हो, तो मैंने अभी वो बताया ना कि इंश्योरेंस 25 लाख रुपए हर साल प्लस 65 या 66 लाख रुपीज एसवीजे का आरटीओ कॉस्ट है। तो यार भाई या तो उतना पैसा कुछ रखो तो दिक्कत आएगी नहीं ऑटोमेटिकली। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने बात बोली तो तुम लोग देख सकते हो अपना कैसे कैसे क्या है ना, मेरे को मत उस पर फसाना जो भी होगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये मुझे स्टॉक एलॉयज लग रहे हैं, ऐसा क्यों? ये स्टॉक नहीं है भाई, 19 इंचेस के रिम और टायर है ये। बहुत बेहतरीन है यार, इसको आपने कोटिंग कर रखी है ना? पेंट कर रखा है ये अभी तो, मतलब बारिश के चक्कर में, मतलब अपने शूट भी बारिश के चक्कर में बहुत लेट हो रहा है, तो बारिश में गंदी भी हो गई है भाई ये। हम स्ट्रगल की बात कर रहे थे यार, वो चीज़ ना, हम फिर आगे बढ़ गए थे। मुझे आप साथ साथ ये भी बताओ ब्रो, ये स्ट्रगल में सिर्फ बारिश इंक्लूड है या और क्या क्या है? यार मतलब अपन क्या है, जैसे लाइक अब जैसे 5-6 महीने पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो गाड़ी बहुत टाइम से बंद पड़ी रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में वापस से कभी भी कोई काम निकल के आ जाता, तो बेसिकली अपना एक काम अभी निकल के आया, स्टीयरिंग पंप अपना जाम हो गया गाड़ी का, जो एक इंजन का पार्ट है बेसिकली, मतलब मॉडिफिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ पर, बंद भी पड़ी थी और बारिश वगैरह कंटिन्यू चली रही है अभी 3-4 दिनों से, तो जाम हो गया, वो चेंज करेंगे मतलब, तो गाड़ी सही हो जाएगी। ओके, और बाकी एक अभी तो लास्ट में हो गया, भी दिक्कत आई वो वाली, हाँ, इसलिए हम बाहर भी लेके नहीं जा सकते। और अभी दिक्कत आई, मतलब कन्वर्टेबल का जो बेसिकली इसमें मोटर लगाई हुई है, हाँ, तो जब वो पहले बैटरीज पे जब अपन चेक करते हैं, मतलब बेसिकली लाइट्स वगैरह सब चीज़ें पहले बैटरीज पे चेक करके बाद में वायरिंग करते हैं, तो जब वायरिंग कर रहे थे, मतलब वायरिंग पे चला रहे थे बैटरी पे, तो वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही थी। अब लास्ट में जब उसको कार से कनेक्ट डायरेक्ट करंट दिया, मतलब वायरिंग करके, तो भाई पता लगा वो जो मोटर है वो 24 वॉट्स की है, तो वो 12 वॉट्स की मोटर डालनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे काम आते रहते हैं। तो वो उसे ज़्यादा ही पावर दे दिया है, ऐसा कुछ है? नहीं, बेसिकली उसके लिए 24 वॉट्स की करंट वाला वो सिस्टम चाहिए जो ट्रक्स में आता है। ओके यार, फिर से मुझे लगता है आपको वही वाले कमेंट आने वाले हैं कि यार भाई प्रतीक भाई तो काफ़ी सच्चे हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब बंदे क्या ही बोलेंगे, पर मुझे ये बताओ, ये काम मतलब पहले क्या इतने पक्के से नहीं कर रखे थे, इस वजह से लास्ट में दिक्कत आई है, या फिर क्या था, या कस्टमर की तरफ से कुछ था, वो भी आप बता सकते हो, जैसा आपने इंडोर वाली वीडियो में बताया था। नहीं भाई, कस्टमर की दोस्तों कमेंट्स में आ जाए। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, यार देखो मैं आपको बताऊँ, ये तो मैकेनिकल वाला वर्क है, तो इसका इंजन का कभी भी कोई काम आ सकता है, मतलब कोई मशीनरी पार्ट है ये बेसिकली,
और ये बहुत टाइम से बंद पड़ी है, और उसके बाद कोई भी गाड़ी अगर अपन बंद कर देते हैं 6 महीने तक खड़ी कर देते हैं तो उसको स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज आ ही जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ साथ में फूक जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ऐसी कुछ काफी स्ट्रगल्स रही हैं, और लास्ट में आके हमने जो वीडियो चालू करी वो भी मतलब ये मान लो कि किस्मत, जैसे हमर वाले में सीन था ना कि विंडशील्ड 3 बार चेंज करी थी, इसमें दूसरी बार विंडशील्ड चेंज करी है। ऐसे कैसे, क्या हुआ? क्योंकि भाई काम करते टाइम पे ट्रैक मार जाती है भाई, क्योंकि थोड़े से लेबर स्टाफ भी तो अपने पास बहुत बेहतरीन वाला है ना। पर देख लो यार, मतलब भाई ने एंडेवर के बाद यहाँ पे लैम्बो फिर से तैयार कर दिया विद लैम्बो डॉट, तो ऑफ कोर्स वाली बात है। और इंटीग्रम देख सकते हैं, ये देखो हम इंटर देख सकते हैं कैसा भाई ने यहाँ पे कंसोल बना रखा है, वो हम जो देख रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक है गाड़ी, है ना। हाँ, मैं आपको उधर से आगे बता देता हूँ। हाँ, गियर का बटन है, ठीक है, मैं लगा के भी दिखा दूंगा। ये जैसे अभी पार्किंग पे है, हाँ ठीक है, ये न्यूट्रल हो गई, ओके ठीक है, ये वापस रिवर्स, ये वापस पार्किंग, ओके। तो ये अपना गियर का बटन हो गया, ये इग्निशन का बटन है, बहुत सही, ठीक है। ये वही स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट भी करके दिखाई थी, हाफ सेल्फ स्टार्ट। तो एंड आगे वाले दो, ये दो कन्वर्टेबल के बटन, कन्वर्टेबल के हैं। हाँ, वो तो आपने बताई दिया वैसे। हाँ, वो अभी खोल के पूरा दिखाएंगे, तो अभी। और इंटीरियर जो है दोस्तों पूरा सिविक का रखा हुआ है, ठीक है, सिविक का रखा हुआ है बेसिकली। इसमें क्या है, मैं आपको इसके पीछे भी एक रीजन बताना चाहूंगा क्यों रखा हुआ है। कंसोल अपन ने डिजाइन किया हुआ है, सीट डिजाइन की हुई है, इस पे जो आप फिनिशिंग वर्क देख रहे हो ना भाई, ये ओरिजिनल वाला डैशबोर्ड है, तो इस पे फिनिशिंग का काम हो जाता है, मतलब आप देखो तो इसमें आपको फिनिशिंग वाइज ऐसे कमी नहीं लगेगी। और अगर थोड़ा सा इसमें मुझे एक चीज का कस्टमर ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने कस्टमर को हाइड्रो डिप के लिए सजेस्ट किया था, हाइड्रो डिप के लिए बहुत सारे पीसेस जो ये येलो में कर रखे हैं, जिसको अपन कार्बन फाइबर में, मेरा खुद का मन था उसको टच देने का, और साथ में मैंने स्टेयरिंग के लिए बोला था कि कार्बन फाइबर स्टेयरिंग लगवा ले, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोला कि बाद में मैं खुद ही करवाऊंगा। भाई तब से मैं कोशिश कर रहा था यार, मतलब यहाँ पे जो ये खाली है, ये आप खाली दिखा सकते हो कैमरामैन? हाँ, ये खाली स्पेस, क्योंकि यार मुझे लगा कि यार आप बताने नहीं वाले ऑडियंस को कि भाई नहीं नहीं यार ये कुछ कमी रह गई, और बिल्कुल आपको बताता हूँ ये कमी नहीं रही है। बेसिकली इसका टैबलेट ऑर्डर कर रखा है इसका, ओके, मतलब जो अपने फोन वाले टैबलेट्स आते हैं, तो वो इसके साइज के पहले जो मंगाया था वो थोड़ा छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, तो अभी एक्यूरेट इसके साइज का ऑर्डर कर रखा है, वो एक दो दिनों में आ जाएगा, तो वो फिट कर देंगे, उसमें सिम कॉलिंग वगैरह सारे फीचर्स होंगे, और वो बकायदा ऊपर एंड्रॉइड से कनेक्ट हो जाएगा। मेरा यार पर एक डाउट है भाई, मतलब मुझे अभी भी सुन के मतलब बहुत अजीब सा लगा था कि यार कुछ कस्टमर कार्बन फाइबर स्टीयरिंग वगैरह की अहमियत नहीं समझते हैं, मतलब पूरी की पूरी लंबोगनी तो बना रहे हैं, उतने पैसे हैं, हाँ। अगर ये 20-30-40 हज़ार का कोई कार्बन फाइबर स्टीयरिंग है, जिससे अंदर का फील फैक्टर और एक आपको पता है थोड़ी ओरिजिनल ज्यादा लगेगी। मुझे एक बात बताओ, यस, पूरा स्टेयरिंग कार्बन फाइबर ले, और ये जैसे लोगो, मैं इसको लोगो पे एक बार जूम करने के लिए आपको बोलूंगा, क्योंकि इसकी पूरी शेप उस टाइप से कटिंग करके पूरा दे रखा है, मतलब ये आफ्टर मार्केट टाइप सा नहीं लगेगा आपको कि ऊपर से अलग से चिपकाया हुआ है, पूरी शेप दे रखी है इसकी कटिंग करके, तो अगर उस वाले स्टेयरिंग पे वैसा किया जाए तो बहुत मस्त सी चीज लगेगी, मतलब पूरा ओरिजिनल स्टेयरिंग लगेगा, मेरा मानना ये है। और उसमें भी अगर थोड़ा सा और अपन कटिंग करके और शेप दे दे, बेहतरीन हो जाएगा, अलग ही अलग ही भाई, मजा ही आ जाता, मतलब मैं तो बोलूंगा भाई, लेकिन जो अगली में कर रहे हैं, हाँ, अपनी अगली खुद की बन रही है, आपको दिखाया, बिल्कुल मैं यही बोलने वाला था भाई, मुझे लगता है भाई अब इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल समझते हैं दोस्तों हमें, मतलब ऑडियंस को और साथ में तुम्हारे होस्ट को भी, कि भाई पहले ही समझ जा रहे हैं हम क्या बोलने वाले दोस्तों, ठीक है, मतलब भाई इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि आपको पता है कि हाँ ये कमी है, और ये आपने पहले ही बता दी कि भाई जो है सो है, वो अभी के लिए है, हमने काफी स्ट्रगल करी है इसको आज के दिन शूट करने के लिए भी। हाँ, आज दो दिन से शूट चल रहा था हमारा, दो दिन से शूट चल रहा था, ऑल थैंक्स टू जयपुर का वेदर दोस्तों, कुछ ना कुछ हो रहा था भाई, और जयपुर जो जयपुर में रहता है वो वेदर के बारे में तो भाई जानता ही होगा, दो दिनों से क्या चल क्या रहा है भाई। तो गाड़ी यार कन्वर्ट हो गई है, और इसमें भी यार प्रदीप भाई क्या बोलना चाहोगे, मतलब बहुत बेहतरीन मेरे हिसाब से तो हुई है, तुम देख सकते हो ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये वेंट्स, एयर वेंट्स, इसको अंदर से अपन ने एक्रेलिक से पैक कर रखा है, इसके ऊपर फिल्म लगनी बाकी है, ब्लैक फिल्म लगेगी जैसे सेंटर वाले पे लगी हुई है, और ये बिल्कुल सेम वैसे ही डिज़ाइन है जैसे ओरिजिनल कार पे आता है, सेम एज कम विद द स्पॉइलर, मैंने जैसे अभी आपको फोटो खोल के दिखाई थी एस वी जे की, तो सेम उसमें यही ऐसे बाहर से कर्व्स अलग से दिए हुए हैं, और ये पूरा सेम इसी डिज़ाइन में स्पॉइलर है, एक्यूरेट सेम डिज़ाइन है। बाकी बैक से अपन अगर बात करें इसकी, टेल लाइट्स कस्टम मेड है इसके अंदर, ये पार्किंग पे जल रही है इसकी, इंडिकेटर वगैरह भी मैं ऑन करके दिखाता हूँ एक बार आपको, देखते देखते आ रही है।
भाई हम शूट वैसे यार प्राइवेट जगह पे कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट जगह क्या होता है भाई, ये प्राइवेट जगह क्या आपकी? नहीं ये पुराना घर है अपना। बिल्कुल 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 प्राइवेट ही है यार, एंड बगल मेन रोड से देख लो इतने सारे लोग आवाज सुन के आ गए हैं। सही लग रही है दोस्तों? ओके काकी सर ये गाड़ी हाँ बाहर की है, ये भाई साहब ने इधर बना दिया जयपुर में हाथ से, यहाँ पे बनी है, बाहर की गाड़ी है भैया ने इधर बना दी, बना दी है इसको इधर। इसे कैसे आपने लाइट बनाई है और कितने बनाई है, मतलब कितने में आपने इसको डन किया है प्राइस, और कितने में ओरिजिनल आती थी स्टॉक? जो स्टॉक जो टेल लाइट्स आती है बेसिकली 3.5 लाख रुपए कुछ की अराउंड आती है, जो भी अवेलेबल नहीं होती ऑर्डर्स पे आपको करना पड़ता है। ये अंडर 50 बना दी है मैंने, और बिल्कुल इसको और भी फिनिशिंग कर सकते हैं, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि ये मेरी पहली एवेंटेड और SVJ है, इससे पहले मैंने खाली किट्स ही दी है बना के। ओके तो पूरा हेडलाइट टेल लाइट वगैरह सब कुछ फर्स्ट टाइम किया है। ओके नेक्स्ट टाइम में शायद और बेटर आउटपुट निकले इस चीज़ का। लोग सोर्स जयपुर जुबलोर से कर रहे हैं क्या भोगने के लिए? बहुत सही यार। अच्छा भाई ये देख लो किस तरीके से भाई ने बना रखी है ये, मतलब यार मुझे बताओ जैसे एक तो होती है ओरिजिनल जो कि बहुत महंगी आती है, ठीक है, एक आफ्टर मार्केट में लैम्बोर्गिनी वगैरह की सस्ती ऐसे रेप्लिकास नहीं मिलती लाइट? नहीं मिलती भाई, खुद मतलब से बनाई। मैं ये जो आपको प्राइस बता रहा हूँ ये रेप्लिका की लाइट्स ही बता रहा हूँ। आपने खुद से बनाई है, ऐसे मार्केट में नहीं है? मतलब नहीं मार्केट में नहीं है, मार्केट में अगर लेने जाओ तो रेप्लिका लाइट्स वही 3-3.5 लाख रुपए की जो ओरिजिनल फिटमेंट की आती है OEM फिटमेंट की। और ये सेंटर में दोनों एग्जॉस्ट है इसके, दोनों एग्जॉस्ट वर्किंग है, जैसा कि अभी अपन ने एग्जॉस्ट का साउंड सुनाया ही है। नीचे स्प्लिटर्स डिजाइन है, डिफ्यूजर पूरा आपने बना रखा है यहाँ पे, बेसिकली उसके अंदर 3 कट्स इस साइड पे है, 3 कट्स उस साइड पे है। ओके एक्यूरेटली जैसा SVJ के अंदर आता है, फिन्स के साथ एक्यूरेटली है। यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट लग जाएगी इस पार्ट पे। ओके भाई मेरा तो इसमें एक ही डाउट आ रहा है कि यार बढ़िया तो बना दिया आपने पर इसको अब तो ओरिजिनल चीज ही बना दो एक बार, वो लूप होल में क्या जयपुर जिबलेवर खेलेंगे या हमारा आइडिया को यूज करेगा, ये बात की बात है मुझे लग रही है यार। मैं आपको बताता हूँ मेरे से 2-3 कस्टमर क्वेरीज आई है। हाँ ये क्वेरीज, हाँ हाँ क्या बात है। बकायदा एक बंदे ने अभी लास्ट आपके दिल्ली का ही बंदा था वो साथ में, और बात चली भी थी बट वो फिर उसके बाद कॉल उठाने बंद कर दिया, ऐसे होता रहता है, मतलब नॉर्मल है ये बहुत प्लेन के बाद। तो उसने मेरे को गिलार्डो की फोटो भेजी थी जो आगे से ख़त्म थी और इसका इंजन पीछे आता था, वो पूरी गाड़ी पीछे से सेफ थी वो। तो उसने एवेंटेडर SVJ के लिए बात करी थी और उससे मेरी बात चली थी कि वो कुछ पार्ट्स बाहर से भी सोर्स करके देगा मुझे ओरिजिनल, जैसे हेडलाइट टेल लाइट। और चेसी? चेसी तो भाई गाड़ी है पूरी गिलार्डो। बहुत सही है, मतलब ऐसे कस्टमर कन्वर्ट बहुत कम हो पाते हैं। हाँ मुझे यार मेरे 2 डाउट थे, मुझे ये बताओ जैसे जो ओरिजिनल लैम्बो होती है उसमें तो ये एयर वेंट्स की पासिंग पूरी होती है ना? हाँ। अगर मैं इसके ओपन वेंट्स कर देता तो इसके अंदर पानी जाता फिर? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ओरिजिनल में तो ओपन आते हैं, ओपन आते हैं कि हवा पास हो और उस हिसाब से फिर रीफ्लो। बिल्कुल। और एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसी लगी यार, हमने काफ़ी चर्चा करी है एग्जॉस्ट की साउंड के ऊपर, आप अपने हिसाब से ही बताओ आपको कैसी लग रही है यार एग्जॉस्ट साउंड? मतलब वही सिविक के इंजन में सेम ही निकलती है लैम्बो की यार। हाँ चाहे वेंटेड और बनाओ चाहे सेंटेनारियो, बाकी इसमें थोड़ा सा मुझे सेंटेनारियो वाली से बेटर लगी थी खुद को, क्योंकि इसमें डिज़ाइन चेंज है, उसमें 1:3 है, इसमें 1:2 है। ओके तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। स्ट्रेट पाइप है? हाँ स्ट्रेट पाइप तो है ही, कैथलेटिक रिमूव करके। बहुत सही प्रतीक भाई जैसा बहुत बढ़िया इंसान, मतलब मुझे और कोई मिले नहीं है, क्योंकि प्रतीक भाई जैसा है जो है सीधा बताए थे तुम लोगों को यार, ठीक है मुझे लगता है वन ऑफ द फ्यू, मतलब फ्यू ब्रीड्स बची हैं, फ्यू मतलब कुछ लोग बचे हैं जो मतलब ये रेप्लिकाज में एक तरीके से इंटरेस्ट उनका आज भी है, आज भी बना रहे हैं। यार बहुत मुश्किल काम है ये, मतलब आज। और भाई खुद परेशान भी हो चुके हैं, वो मुझे बता भी रहे थे ऑफ कैमरा। हाँ ऑन कैमरा करना है वो बातें, हो जाता है ऑन कैमरा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो है नहीं, मतलब क्योंकि यार पता तो लगे, बेसिकली कमेंट करना बहुत ईजी होता है बट एक्चुअल में एक इसका एक छोटा सा पार्ट भी कोई बनाने बैठेगा ना तो उसको नानी याद आ जाएगी, जो बचपन में बोलते हैं नानी याद आ जाएगी, वो एक्चुअल में याद आ जाएगी भाई। भाई मैं तो यार हर बार ये रेप्लिका लैम्बोर्गिनी में एक चीज़ देखता हूँ कि बहुत बढ़िया, पहले तो भाई ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना? हाँ बहुत, लेकिन हमने तारीफ करी आगे से भाई। थैंक यू, बहुत सही। मैं बता रहा हूँ यार मैंने अक्सर देखा है भाई रेप्लिका लैम्बोर्गिनी में कि यार पहले मुझे बता दो लैम्बोर्गिनी या लैम्बोर्गिनी बोलते कैसे? लैम्बोर्गिनी ये मैं जल्दी बाज में थोड़ा हाँ, और इटालियन में अगर प्रोनाउंस करें तो लैम्बोर्गिनी है वो। लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी यार मेरे से ये एक्सेंट वाली चीज़ नहीं हो पाती, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलूँगा। अगर आप समझ रहे हो ना? हाँ बस ठीक। फॉरेन में चला रहे हो और कोई अच्छी सी
कन्या देखे वो ऐसे बोलेगी हे नाइस लैम्बोर्गिनी। हाय बहुत सही यार। तो इधर इंडिया में किसी कन्या ने बोला आपको देख के ऐसे हे नाइस लैम्बोर्गिनी? नाइस कार ड्यूड, ऐसे खूब सुना मैंने भी। बहुत सही, अपने शौक पूरे कर सकते हो दोस्तों तुम। मैं ये बोल रहा था भाई, मैंने अक्सर देखा है ऐसी रेप्लिकास में कि यार कन्वर्ट होने के बाद मेरी बड़ा हेडरूम ना दिक्कत देता है, ठीक है, ओपन करने का मैं जो आराम से बैठता हूँ, मतलब मुझे जानना है भाई ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी भी, लैम्बोर्गिनी आपने दुबई में तो देखी है, बैठे भी हो, है ना, क्या मैं उसमें आ जाऊँगा एक अंदाज़ा? और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर ओपन रूफ नहीं है तो। पर मैं एक ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी बैठा हूँ, वैसे आ गया था, दिक्कत हो रही थी गिलार्डो और एवेंटाडोर में दिन और रात का फर्क है भाई। ऐसी बात है क्या? एग्जैक्टली, मतलब अगर हम जैसे बंदे और मतलब ऐसे गलती से पैसे कमा लिए तो लैम्बोर्गिनी लेने का फायदा नहीं है? नहीं, फिर वो रोडस्टर लेनी पड़ेगी ना, खुली छत वाली। ओके, तो ये भी तो एसवीजे रोडस्टर के ऊपर। यार इसमें भी एक बहुत सही चीज मैं आपको बताता हूँ, एसवीजे जो आती है या तो वो आपको कूप डिजाइन में मिलेगी या रोडस्टर में मिलेगी, कन्वर्टेबल नहीं आएगी क्योंकि इंजन पीछे है ऑलरेडी, उसमें अपना इंजन आ गया है तो अपन ने पीछे कन्वर्टेबल का पूरा सिस्टम डाल दिया है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक। ओके, वैसे रोडस्टर ओपन ही आता है? रोडस्टर ओपन ही आती है, रोडस्टर में मैनुअल रूफ आती है, मतलब वो ढक्कन खोल लो, दो ढक्कन, जैसे आपने येलो वाली गाड़ी में देखा था, और मैंने रेड में भी देखा था। हाँ, उसमें वाटर लीकेज वगैरह का भी रहता है इसमें, मतलब वाटर लीकेज वाला पूरा टाइट किया है इसमें। बहुत से बाकी भाई ने ये सीट्स देखो किस तरीके बनाई यार, यही कुछ है मतलब अपनी वीडियो, है ना। और भाई आपके हिसाब से कुछ पॉइंट्स हम अगर मिस कर रहे हैं जरा वो बता दो, और साथ साथ मैंने ये पहले ही बोल रखा है वैसे अपनी वीडियो में कि यार परफॉर्मेंस वगैरह पे अगर आप चाहते तो और कुछ कर सकते थे, ऑफकोर्स एन ए का रहे उस तरीके से स्कोप नहीं, पर रेप्लिका लैम्बोर्गिनी में आप चाहे तो कुछ भी यार मैंने बेसिकली जैसे अभी स्टीयरिंग की बात करी थी आपसे थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये लोगों की भी बात करी थी इसकी बेसिकली, तो जब इसी चीज़ के लिए नहीं माना, ये तो कॉस्मेटिक मॉड्स है, पूरी गाड़ी कॉस्मेटिक्स की है, तो वो ट्यूनिंग के लिए तो मैंने ऑब्वियसली रिकमेंड किया ही था, क्योंकि मैंने उसको खर्चा तो बढ़ता फिर तो बढ़ते रहता, मैंने उसको रिकमेंड इसलिए किया था कि अगर अपन पॉप्स एंड बैंक्स ट्यून कर लें और उसके बाद सोचो एग्जॉस्ट साउंड क्या ही हो जाएगा। आपने देखी है खूब होंडा की कार्स पॉप्स? मुझे चलो ये बताओ, ये तो मुझे पता था कि मतलब ऐसा सीन है कस्टमर का, ठीक है, ये अपनी जो लैम्बो बन रही है क्या उसमें हम ये सब देखेंगे, उसमें ट्यून करेंगे अपन, और ट्यून के साथ और भी कुछ परफॉर्मेंस को लेकर सोचा जाएगा कुछ यूनिक? यार परफॉर्मेंस के साथ साथ मतलब अगर अपन देखेंगे ट्यून तो करेंगे स्टेज टू, स्टेज वन उसके लिए एक्साइटमेंट बरकरार रखनी है ऑडियंस को ना, बेसिकली ट्यून कार मेरे पास है, जैसे अगर आप लास्ट टाइम आए थे तो अपन ऑडी में घूम रहे थे, वो स्टेज वन ट्यून्ड है ऑलरेडी, तो मॉडिफाई मतलब इस वाली मॉडिफाइड कार्स में अपन ने नहीं किया, और लेकिन नेक्स्ट शॉर्टली करेंगे करेंगे। जो मतलब भाई देख लो, जो तुम्हें इस गाड़ी में कमियाँ या फिर कुछ भी ऐसी लग रही है वो तो भाई करेंगे ही नेक्स्ट में बढ़िया, है ना, क्योंकि वो अपनी है, और दूसरी परफॉर्मेंस पे भी भाई ध्यान देने वाले, ठीक है भाई, मैं तो बोलता हूँ बेशक आराम से यार प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन इस बार जो दिखानी है चीज़ वो बेहतरीन दिखानी है, क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस क्या बोल सकती है इस सब में, तो वो आपको ही बताए, वो आपको ही बताए, लोगों को लगता है आपको हो चुके हैं अपन बिल्कुल, और अब ऑडियंस को ही पता है कि आपको पता है, ठीक है, तो अब तो और बेहतरीन कनेक्शन मुझे लगता है बन गया, ठीक है। अच्छा, और कुछ पॉइंट जो मिस कर रहे हैं भाई, कुछ ऐड करना है तो हम कर सकते हैं? वीडियो में होने चाहिए लाइक सेजर डोर्स, बेसिकली लैम्बोर्गिनी के होते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मेन इसका वेट का रेशियो है, ये कितना इजीली आएगा और ये कितनी स्मूथली बंद होता है यार, मतलब ये वाली बात तो है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से नॉर्मल दिखाऊँ देखो कितना स्मूथ है, अभी तुम देखना 0.5 भी किया मैंने, बंद कर दिया मैंने और ये बंद हो गई, प्रॉपर बंद है, हाँ प्रॉपर बंद है, और ये खुल जाएगा ये लो वापस, कितना इजीली तुम देख सकते हो, नीचे दे रखा है मतलब ये खोलने का अंदर से, ओके यहाँ पे है ना, बेहतरीन यार। कुछ पॉइंट भाई आपके, हम सब ये सब चीज़ें मैं आपको इम्प्रूवमेंट्स बता रहा हूँ, जैसे लास्ट वाली लैम्बोर्गिनी में ऑरेंज वाली में ये सब चीज़ों में थोड़ी इश्यूज थे, मतलब ओके ये आपने यहाँ पे जो इसमें ये तो चलो नहीं दिया हुआ था पहले वाली गाड़ी में भी, बट इतना स्मूथ डोर स्मूथ डोर्स नहीं थे, ये तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि मैंने अक्सर सीजर डोर में अक्सर ये चीज़ देखी है कि बंद होते वक्त, और मैंने आपके पास देखा वैसे सीजर डोर आप कब से कर रहे हो, तो ये चीज़ तो बढ़िया ही होती है, जैसे लाइक क्रूज में भी लास्ट अपन ने वीडियो किया था क्रूज का भी, तो उसमें भी मैंने आपको दिखाया था फेंडर में अपन ने पूरा शेप चेंज किया था, और इसका तो लैम्बो डोर्स होते हैं, इसके सीधा ऊपर खोलते हैं, इसके साइड में जाने वाला सिस्टम ही नहीं है, उसमें आपने थोड़ा सा वाइड फेंडर किया हुआ था, बिल्कुल यार। मुझे तो देखो हमेशा बहुत अच्छा लगता है भाई के साथ ऐसे वीडियो आके, मैं ज़्यादा से सपोर्ट करता हूँ, एंड मैं हर बार मैंने फरारी वाली वीडियो भी कहा था कि भाई रेप्लिका कल्चर भी है, कार कल्चर ही है यार, तुम लोग ऐसे मतलब जो बोलते हो वो मतलब ऑफकोर्स तुम लोग अपना ओपिनियन है, पर मेरे बात से अगर तुम कनेक्ट करना चाहो तो मैं तो वही वाली बात दोबारा बोलूँगा कि यार कार कल्चर है, समझो रेप्लिका हो ट्यून्ड हो चाहे जो भी हो, हमें बीइंग अ कार एंथुसियास्ट हमें हर चीज़ को सपोर्ट ही करना है, ठीक है यार, इतनी मेहनत से बना रहे हैं, अगर किसी का उस चीज़ से मतलब
घर की दाल रोटी चल रही है, समझ रहे हो, इतना किसी का शौक पूरा करके, तो वो बहुत बढ़िया काम ही है यार। ये भी तो काबिल तारीफ वाली है। मैं अगर ये पूरी फैक्ट्री रन कर रहा हूँ तो 10 से 12 लोगों का स्टाफ मेरे पास भी है भाई, तो बहुत लोगों का घर चल रहा है भाई इससे भी, तो वो एक बिल्कुल है। तो वही वाली बात है दोस्तों, बाकी हम वीडियो भी पे एंड करते हैं एंड बहुत जल्दी यार भाई कुछ और गाड़ी के साथ सरप्राइज भी देंगे हमें, एंड भाई को जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना क्योंकि और भी कुछ भाई सोच रहे हैं, ऐसा नया ट्राई कर रहे हैं, अपने भाई हैं यार इसलिए भाई भाई मैं बोल रहा हूँ, ना नाम लेगा ना कुछ भी ऐसा है ना तो सपोर्ट करेंगे काम को दोस्तों, और बेहतर काम होएगा आगे जाके भाई जो अपने निकालेंगे, ठीक है। एंड मच लव, वीडियो को हम ये पे एंड करते हैं, यही कुछ अपनी गाड़ी का एपिसोड था। आई नो तुम लोगों ने मैनेज काफ़ी किया होगा क्योंकि यार तुम्हारे लिए हर बार हम काफ़ी गाड़ी को सड़क पे भी ले आते हैं रेप्लिका होने के बावजूद तुम लोगों के वीडियो आने के लिए, तो इस बार नहीं तो मैनेज कर लेना कोई दिक्कत नहीं। बाकी ज़्यादा से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड भाई का हमने इंस्टाग्राम डाल दिया है, ठीक है, डू फॉलो यूट्यूब चैनल भी भाई का, वो भी सब्सक्राइब करो, एंड किसी को भी किसी को भी सेम अगर ऐसी गाड़ी बनवानी है तुम लोग भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना, सारे टाइप के कस्टमाइजेशन के लिए बेसिकली। खाली आपको ये नहीं है कि मैं होंडा सिविक टू लैम्बोर्गिनी कर रहा हूँ, जैसे अपन बॉडी किट्स का भी काम करते हैं, मैं बेसिकली पैशनेट हूँ गाड़ी, कुछ भी गाड़ी मॉडिफाई करानी है भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे जैसा भी मॉडिफिकेशन, ठीक है, जयपुर में भी यार इतने बढ़िया है अगर भाई बैठे हैं यहाँ पे तो सपोर्ट करो, बेसिकली मेरे पास बहुत सारे, मैं सपोर्ट करने के लिए दोस्तों, कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, बेसिकली मेरे पास ना बहुत सारे मतलब यही जयपुर के लोग ही आए हैं, बोले अरे यार जयपुर में भी ऐसा काम होता है, हमें पता ही नहीं है। हाँ हमें पता ही नहीं है, वो जैसे जो शौकीन भाई वाला काम है, जयपुर के शौकीन भाई है दे सकते हो, ये बोल सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं, प्रतीक भाई अपने अलग है यार, बिल्कुल है। चलो बेहतरीन, वीडियो को एंड करते हाँ, पैकअप शूटिंग खत्म हो गई, लाइट का कॉस्ट बढ़ रहा है दोस्तों, खत्म करते हैं, मैं भी बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय भाई, ऐसे साइनिंग आउट।